हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर से। आज है आपका आपकी तारीख 17 अगस्त 2019 और ये है आपका सिस्टम प्रश्न पत्र हिंदी, इसके सॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका 25 मार्क्स का पेपर है, एक घंटा समय था, तो देखते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स आपके क्या कुछ निकल के आते हैं। पेपर आपका आपने देखा ही होगा, काफ़ी आसान था। ऐसे में जब आप करने की बात करते हो क्वेश्चन पेपर को, वस्तुनिष्ठ सवाल पर आते हैं और यहाँ पर जो पहला शब्द लिखा हुआ है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, जब आप कवि शब्द के स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हो तो वो कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री, ये आपका सही होगा। जरा देखिए, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो इसमें सही होगा। दूसरा जो है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होगा? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ते हो। एक वचन मतलब एक संख्या, द्विवचन मतलब दो संख्या, जब बहुवचन मतलब बहुत सारी संख्याएं, तो ये मतलब इसका जो है वो संख्या से निकल करके आता है, तो दूसरे का आंसर दूसरा होगा। मर्कट का पर्यायवाची शब्द है, मर्कट मतलब होता है आपका बंदर, सीधा सीधा मतलब लिखा हुआ है। जो मर्कट का पर्यायवाची शब्द पूछा है, या आप ये कह लो कि मर्कट का एक और मतलब क्या होगा, तो वो होता है बंदर, ठीक है। तीसरे का आंसर जो है वो चौथा आएगा। जातिवाचक संज्ञा पूछा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, कहा है जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? जब आप वस्तु को किसी लेकर के बात करते हो तो उसमें जो पुस्तक है वो जातिवाचक संज्ञा को बताएगी। एक अच्छी पुस्तक है या कैसी पुस्तक है आपकी, है ना, बुरी पुस्तक है, या ऐसे भी आप उसको जो है वो जाति को बता रही होती है पुस्तक के। ओके, चलिए जी, फा शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जब आप फा के उच्चारण स्थान के बारे में आप बात करते हो, पा फा वा, पा फा फा बोलोगे तो ओष्ठ, वैसे दंतोष्ठ में आता है। किस में आता है? दंतोष्ठ करके भी आप बोलते हो, ये होगा, लेकिन यहाँ पर ओष्ठ भी आपका जो है निकल के आएगा। ओष्ठ है, दंत कहीं दिया हुआ नहीं है तो ओष्ठ आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप की बात कर लेते हैं। सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताने थे, किससे उपसर्ग से? सम, तो आप भाई कुछ भी लिख दो इसमें, कोई सॉरी कुछ भी मतलब कोई भी शब्द लिख दो। संताप हो गया आपका, आप संभावना लिख दो, आप संयोग लिख दो, सम्मान लिख दो, आप संचय है, संकल्प है, सम्मेलन है, सब में आपको सम उपसर्ग देखने को मिलेगा। आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी। ये जो सवाल है आपका, आपके यहाँ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में ये सवाल पूछा गया था। हाँ जी, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में इसी साल 2019 में पूछा गया था, प्रकृति का सुकुमार कवि। तो आपको मैं बता दूँ, प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो हैं छायावादी युग के सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। तो यहाँ जो है आंसर वो है छायावादी युग के आपके ये कवि थे सुमित्रानंदन पंत जी, यहाँ पर उत्तर निकल के आएगा। ओके, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछ ले। पंच परमेश्वर आप बहुत पहले से खालाजान के अलगू चौधरी जुम्मन सेख के बारे में पढ़ते आए होंगे, और वो हैं, हाँ जी, कहानीकार, महान कहानीकार प्रेमचंद जी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी आंसर आएंगे आपके। अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए। वाक्य में प्रयोग भी करना था भाई, मतलब ही नहीं बताना था केवल, ठीक है। तो अंधे की लकड़ी होना मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। क्या बोलते हैं? एकमात्र सहारा होना। तो आप वाक्य प्रयोग में लिख सकते हो कि जो कुछ भी ले लो कि राम अपने माता पिता का इकलौता लड़का है, ऐसे में वह अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी है, है या लकड़ी के समान है, ऐसे वो आप लिख सकते हो, अंधे की लकड़ी है। तो ये चीज़ मतलब एकमात्र सहारा है वो। ये शब्द थोड़ा आपका जो है अलग से दिया हुआ था, इस समास इसमें बताना था प्रसंगोचित, प्रसंग से उचित आप लिख सकते हो, प्रसंग से उचित, ये इसका जो है समास विग्रह निकल करके आएगा। आप जब बात करोगे तत्पुरुष समास को लेकर के, वहाँ पर आपके वहाँ पर छह प्रकार होते हैं तत्पुरुष के, उसी में से ये आपको देखने को मिलेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो जो करण वाली जो बात है ना, करण तत्पुरुष वाले में मैं आपको बता दूँ, जैसे आप जैसे प्रसंगानुकूल बोलते हो, प्रसंगानुकूल मतलब प्रसंग के अनुकूल, तो वहाँ पर आपका तो संबंध आ जाएगा काकी के रारी रे नानी ने होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग से उचित आप बोलोगे, तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो करण तत्पुरुष समास, या आप तत्पुरुष समास लिख रहे हो तो भी सही है, ठीक है। 11 नंबर में पूछा था क्षा, ये बना हुआ है, इसका ये दिया है कि संयुक्त वर्ण जो है किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो ये दो वर्णों से एक का हो गया और ये पेटचिरवा वाला शाह बनेगा, जब षटकोण वाला शाह बोलते हो, ये हलंत नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। चूंकि इन्होंने दो वर्णों से बोला है तो दो वर्ण आपके केवल यही होंगे, का के नीचे हलंत होगा प्लस पेटचिरवा वाला शाह होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अगर इसने दो वर्ण ना लिखा होता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, शाह प्लस आ, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने बोला है कि केवल दो वर्ण, तो ये आपके नहीं होंगे, केवल यही दोनों इस केस में आएंगे। लघुतरीय सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं, ये पूछा था,
तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, है ना, इन सभी के नाम को आप जो है ऐसे में संज्ञा बोल देते हो। सिंपल सा है उदाहरण, तो आप बता ही सकते हो। वस्तु का नाम बता दीजिए, व्यक्ति का नाम बता दीजिए, किसी राम, श्याम, मोहन, महात्मा गांधी जी, अब्दुल कलाम जी के बारे में, है ना, ताजमहल आपका जो है स्थान हो गया, ऐसे में आप उनका उदाहरण दे सकते हो यहाँ पे। चलिए जी, संज्ञा की बात हो गई। फिर कहा है कहानी शिक्षण की उपयोगिता बताइए। अब आप बच्चों को, मैं आपको बता दूं, जब आप छोटे बच्चों की बात करते हो, ठीक है, वहाँ पर बहुत ही जो है वहाँ पर ज़रूरी आप कह लीजिए, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का, वो होता है उनको कहानी के माध्यम से आप पढ़ाएं। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता आप बताइएगा कि उनको जो है, जैसे होता नहीं है कि एक इमेजिनेशन वाली बात, कल्पना में, है ना, उनको कल्पना में एक तरीके से वो खो जाते हैं, या उनके तर्क शक्ति को जब आप बात करते हो, उनको सोचने के लिए बाध्य करते हो कि अच्छा क्या हुआ होगा, आप जो है तो उसमें उपयोगिता में बताइएगा। 4-5 पॉइंट तो आप इन्हीं से लिख सकते हो जितना मैंने अभी बोला, इसी में से। कल्पना शक्ति का विकास सबसे पहले ही आपका कोई भी चीज़, ऐसे होता नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होना, एक प्रत्यय निर्माण, वो भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। 14 नंबर में दिया हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो भैया ऐसा तो कोई है नहीं उपसर्ग प्रत्यय, न जानता हूँ। आज सुबह ही मैंने आपका टेलीग्राम चैनल पे उपसर्ग प्रत्यय वाला जो वीडियो मैंने बताया था, बोर्ड भी बाकायदा आपका, कि उपसर्ग प्रत्यय होते क्या हैं, वो मैंने वहाँ पर बता दिया था कि भाई देख लीजिएगा। 2 नंबर में सीधे सीधे सवाल वहीं से आपका पूछ लिया गया उपसर्ग प्रत्यय। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल देखा होगा, वहाँ पर सुबह ही मैंने वो चीज़ डाली थी, वहाँ लिखे थे कि भाई इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं यहाँ से। देखिए 3 नंबर का सवाल हो गया ऊपर आपका, ऐसे में जब आप बात करते हो उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग सम से पूछ लिया, और यहाँ उपसर्ग प्रत्यय, 3 नंबर के सवाल आपके वहीं से आए हैं। तो जब आप बात करते हो उपसर्ग, बताओगे आप शब्द के पहले लगने से जो मतलब बदल देते हैं, या मतलब नया निकल के आता है, बाकी सारी चीज़ प्रत्यय आपके शब्द कोई भी वाक्य है, सॉरी शब्द है उसके बाद में लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये और इनके अंतर में आपको उसमें बताना चाहिए था, कई सारे होते, नीसु, आबे, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं जब आप जो है प्रत्ययों को और उनको लेकर के बात करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर के बारे में, हो गया आपका उदाहरण देकर के आप बता दीजिए, बस उतना ही उसमें था, ज़्यादा लिखना भी नहीं था। पूर्ण विराम और अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, भाई बहुत ही सिंपल सी, इससे सिंपल चीज़ें क्या आएंगी जी, है ना। पूर्ण विराम लगा दीजिए, अल्प विराम लगा दीजिए, बता दीजिए कि कोई शब्द उसमें बना करके, सॉरी वाक्य बना करके उसमें बताना था, बस इतना ही था। हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको मैं बता दूं, मौन वाचन पूछा है, जिसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मौन वाचन में थकान कम होती है, पहला पॉइंट आप बोल सकते हो, थकान कम होती है, क्योंकि इसमें जो वाग यंत्र होते हैं, या वाक यंत्र बोलो आप, ठीक है, वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय होते हैं, दूसरी चीज़, है ना। तीसरी चीज़ आप इसमें बता सकते हो कि मौन वाचन के समय पाठक जो है वो एकाग्रचित होकर के, ध्यान केंद्रित होकर के पढ़ता है, ये आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। चौथी चीज़ आप बता सकते हो कि मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करते हैं, मतलब आप जब एकदम शांत बैठे हुए हैं तो भी आप वहाँ पर मौन वाचन कर रहे होते हो, ठीक है, साइलेंट रीडिंग बोलते ही हैं इसको। और मौन वाचन में समय की बचत होती है। आपको मैं बता दूं कि कुछ श्रीमती ग्रे और रीस महोदय ने काफ़ी कुछ परीक्षण भी किया था स्वास्थ्य और मौन वाचन में, उन्होंने भी कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई थी। तो इतना जान लीजिए कि यहाँ पर जो मौन वाचन है, कम से कम 5 पॉइंट मैंने बता दिए ना, इतना 5 ही जो है बहुत था आपका इतना समझाने में इसको, कि भाई मौन वाचन आपका, इसके महत्व हैं क्या। चलिए जी, फिर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पूछ लिया था और इसको बताना था उदाहरण सहित कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। आपको मैं बता दूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जिन सर्वनाम, आप ये जानते हो कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। वक्ता का खुद के द्वारा, जैसे मैं, उसने लिखा हम, ये क्या है, वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग होता है। लेकिन वहीं जब आप बात करते हो, तुम हो गया, आप हो गया, ये सुनने वाले के लिए होता है, ठीक है। या फिर आप इसमें लिख दीजिए वह, यह, वह, ये सारे क्या है, ये किसी और के बारे में बात करने के लिए आप प्रयोग में लेकर के आते हो। अब ये इतने सारे शब्द हो गए, कौन कौन से, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वह। अब इसका उदाहरण दे दीजिए, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, है ना,
और यहाँ पर आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मैं खाना बना रहा हूँ, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम दिल्ली जा रहे हो या चले गए, ये शब्द क्या है? बस ये वाक्य प्रयोग करके आपको बता देना था उदाहरण से, है ना। चलिए जी, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। अब राष्ट्रीय पर्व की बात की है आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जब राष्ट्रीय पर्व की आप बात करते हो तो इसमें आप लिख दीजिए, जैसे अभी 15 अगस्त आपका गया है, इसी पर आप लिख दो। राष्ट्रीय पर्व की बात की है, 15 अगस्त पर आप लिख दो, आप 26 जनवरी पर लिख दो, ठीक है। ऐसे में क्या होगी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आपने दो शब्द यहाँ पर बता दीजिए, दो शब्द मतलब अब यहाँ पर आपको एक पेज तो आप लिख ही सकते हो कम से कम इसमें। दोस्तों ये था आपका हिंदी का पेपर, आशा करते हैं कि आपने यहाँ पर मिलान कर लिया होगा, पेपर भी आप लोगों का अच्छा गया होगा। तो रिजल्ट के लिए अभी से शुभकामनाएं, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।